गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल स्टडी आइसोमेरिज्म इन रेफरेंस टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर क्लास BSc पार्ट सेकेंड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स, वार्नर थ्योरी फॉर द कंपाउंड, हाउ टू राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड एटसेट्रा. टूडे वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. फॉर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, first of all we should discuss what are the isomers. The compounds with the same formula but different atom arrangement and differing in physical and chemical properties are known as isomers. jaisa ki hum jante hain ki ve compounds jinke formula same hote hain lekin unme atoms ka arrangement different ho jata hai, uski wajah se unki structure different ho jati hai aur structural difference ki wajah se unki physical and chemical properties mein bhi changes aa jate hain. इस प्रॉपर्टी को हम तो आइसोमर्स कहते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं. एंड द फिनोमिना दैट गिव राइज टू आइसोमर्स इज नॉन एज आइसोमेरिज्म. और वह परिघटना जिसके द्वारा हम आइसोमर्स की स्टडी करते हैं इसको हम आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं. जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में या प्रीवियस क्लासेज में समावयवता के बारे में फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप डिटेल में पढ़ चुके हो. टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विल बी सेम हियर बट वी विल टेक एग्जांपल्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सम टाइप्स में ऑल्सो डिफरेंट फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑल्सो. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. वॉट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच due to different bond arrangement of atoms in coordination compounds around the central metal ion. The structural isomerism ka origin kyun hota hai ki jo arrangement of atoms in coordination compound around the metal ke charon taraf jo ligands hote hain unke atoms ka jo arrangement hota hai unme change aata hai, uski wajah se structural isomerism ka nirman hota hai, ya hum keh sakte hain structural isomers फॉर्म होते हैं इस वजह से. सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम रसायन. दिस वन इज ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं त्रिविम रसायन समावयवता जो होती है उसमें एटम्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में चेंजेज होता है, अंतरिक्ष में उनके विन्यास में परिवर्तन होता है. सेम वहाँ पे भी यही होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा. तो अब हम दोनों ही टाइप्स के आइसोमेरिज्म को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन डिटेल्स वी शुड नो द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वी कैन फाइंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दिस इज ए डायग्राम विच डिस्प्लेज the types of isomerism for coordination compounds. First of all we should study here isomers. Isomers do type ke ho sakte hain, structural isomers and stereo isomers. Jo humne abhi bataya jo structural isomerism ke parinam se bante hain unko hum structural isomers kehte hain, aur jo stereo isomerism ke jo examples hote hain unko hum stereo isomers kehte hain. Stereo isomers ko again we can divide into two parts. फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्यामितीय समावयवता एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स या प्रकाशिक समावयवता, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ज्यामितीय और प्रकाशीय समावयवती क्या होते हैं? सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी. ज्योमेट्री में हम डी और एल कॉन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे. ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम आर और एस कॉन्फिग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे, या सीस और ट्रांस जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे. और ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्लस और माइनस आइसोमर्स, या हम कह सकते हैं डी एंड एल आइसोमर, जो कि डिपेंड करता है कि प्लेन पॉलराइज लाइट को वो कंपाउंड किस डायरेक्शन में मूव करता है उसके आधार पर यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है. तो वी विल स्टडी डिटेल्स इन फर्दर फॉर द स्टीरियो आइसोमर्स. Now we should discuss about the structural isomers. Structural isomers, here we can divide into five types of structural isomers. First one is linkage isomers. Second one ionization isomers, ionic current samavyavi.
लिंकेज मीन्स बंद समावेवी, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बहुलकीकरण समावेवी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड हाइड्रेशन आइसोमर्स. तो दीज आर द इन येलो ब्लॉक्स द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स. तो वी कैन डिवाइड आइसोमर्स इंटू मेनली टू मेन क्लासेस, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स. अगेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइव सब क्लासेस एंड स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू सब क्लासेस. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, दोनों सेम थिंग होती है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन. तो मेन यहाँ पे क्या आपने को ध्यान रखना है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. जो भी एटम्स सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ हैं उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, उसकी वजह से जो डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं. इट इज़ डिस्प्लेड बाई कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट लिगेंड्स विद इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो यह जनरली उन कंपाउंड्स के द्वारा दिखाया जाता है जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, भिन्न भिन्न टाइप के लिगेंड्स होते हैं. यदि एक ही टाइप के लिगेंड हों तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होता है. द डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आइदर ड्यू टू डिफरेंस इन लिगेंड दैट आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और मोड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड. दो बेसिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन लिगेंड्स दैट आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल, कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने वाले लिगेंड्स ही अलग अलग हो सकते हैं दोनों आइसोमर्स में. सेकेंड क्या है, द मोड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड, या कोई इंडिविजुअल लिगेंड की बॉन्डिंग का टाइप चेंज होकर भी उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं. तो आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं. तो वी कैन डिवाइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन द फाइव कैटेगरीज, पॉलीमराइजेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर्स एंड हाइड्रेशन आइसोमर्स. नाउ वी विल डिस्कस ऑल द फाइव कैटेगरीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ लिंकेज आइसोमर्स, जिसको हम बंद समावयवता भी कहते हैं. व्हाट इज द लिंकेज आइसोमर्स? लिंकेज आइसोमर्स अकर्स व्हेन द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज सेम बट लिगेंड डोनर एटम इज डिफरेंट. यदि लिगेंड सेम है दोनों आइसोमर्स में, लिगेंड सेम होते हैं हमें देखने में, लेकिन उस लिगेंड का डोनर एटम डिफरेंट होता है, दाता परमाणु चेंज हो जाता है. तो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में, हमने पढ़ा था एम बाइडेंटेड लिगेंड या उभयदंतु लिगेंड. उसमें हमने क्या देखा था कि लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड ही होता है पर उसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं. अलग अलग कंडीशंस में डोनर एटम चेंज हो जाता है. जब डोनर एटम चेंज होगा तो उस लिगेंड का नॉमिनक्लेचर भी चेंज हो जाता है. ये हम पूरे में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको इस प्रकार की समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंड एम्बाइडेंटेड होते हैं, अर्थात दो परमाणुओं में से किसी भी एक के द्वारा जुड़ सकते हैं. सम लिगेंड्स कैन बाइंड द मेटल थ्रू आइदर ऑफ द टू डोनर एटम्स. जो दो डोनर एटम होते हैं उनमें से किसी भी एक डोनर एटम के द्वारा जुड़ जाते हैं. और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब आइसोमर्स बनते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आते हैं. हमने बताया कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. यहाँ पे हमने दो डिफरेंट कंपाउंड्स लिए हैं. ये कोबाल्ट के दो कंपाउंड हैं. इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले इस कंपाउंड को यदि हम देखते हैं, यहाँ पे सेंटर में मेटल आयन है. दीज आर द लिगेंड्स, जो ब्लू कलर के लिगेंड हैं, ऑल द सेम लिगेंड्स. सिक्स्थ जो लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, छः लिगेंड से जुड़ा हुआ है. सिक्स जो लिगेंड है उस पर हमें कंसंट्रेट करना है. ये है नाइट्रो लिगेंड है, जिसमें ब्लू कलर के सर्कल से हम नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड सर्कल से हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
इस कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि जो मेटल वो नाइट्रो ग्रुप के एन एटम के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब एन एटम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है या एन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो आइसोमर और इस लिगेंड का नाम होता है नाइट्रो। यदि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, सेकेंड एग्जाम्पल पर हम आते हैं, ऑल द फाइव लिगेंड्स आर सेम, मेटल इज सेम, बट द सिक्स लिगेंड इज अटैच्ड बाय द मेटल इन डिफरेंट वे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है और ये ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो लिगेंड चेंज हो गया है, इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो लिगेंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिगेंड का डोनर एटम चेंज हो जाता है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। दिस वन इज़ नाइट्रो लिगेंड, सो हेयर इज़ नाइट्रो आइसोमर एंड दिस इज नाइट्राइटो लिगेंड, सो वी कैन से इट नाइट्राइटो आइसोमर। अब सेम मेटल है, पांच लिगेंड सेम है, केवल एक लिगेंड के बॉन्डिंग या डोनर एटम चेंज होने की वजह से इस कंपाउंड के कलर में हम देख सकते हैं दिस वन इज लाइट वन एंड दिस वन इज डार्क वन, अर्थात उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। और यदि हम केमिकल स्टडी करें तो उसमें भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हेयर वी कैन से द नाइट्राइट आयन कैन बाइंड आइदर थ्रू द नाइट्रोजन एटम एंड आइदर वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम। वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, हेयर दिस इज नाइट्रोजन एंड टू ऑक्सीजन एटम्स, इट कैन आइदर बाइंड नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम और ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम। द इन बोथ द कंडीशंस डिफरेंट आइसोमर्स विल बी फॉर्म एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो बी डिफरेंट। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल एम्बाइडेंट्रिक लिगेंड के हमने पढ़े थे जो यहाँ पे लिंकेज आइसोमर शो करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, ये तो नाइट्राइड जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, दूसरा है साइनेट, ये इसके अंदर नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है एंड कार्बन भी कर सकता है। दूसरा है थायोसाइनेट, इसमें सल्फर भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है और नाइट्रोजन भी। यदि सल्फर डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका नाम होगा थायोसाइनेट टू, और यदि नाइट्रोजन मेटल के साथ डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेट टू। तो इस कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एम्बाइडेंटिक लिगेंड्स होते हैं उनमें दो डोनर एटम होते हैं एंड इट कैन अटैच्ड बाय मेटल आइदर वन ऑफ देम विद आइदर वन ऑफ देम। तो जिस डोनर एटम्स की सहायता से वो जुड़ रहा है उसके आधार पे उसका नॉमेनक्लेचर और उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, और ये जो दो आइसोमर्स बनते हैं इनको हम बंद समावयवी या लिंकेज आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे सल्फाइटो, उसमें भी सल्फर और ऑक्सीजन दो डोनर एटम होते हैं तो वो किसी से भी जुड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म या आयनीकरण समावयवी या आयनीकरण समावयवी। इसमें क्या होता है, इन विच लिगेंड्स प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन एक्सचेंज देयर प्लेस। अभी हमने क्या देखा था, ड्यू टू चेंज इन बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड दैट वन इज द लिंकेज आइसोमर्स। यदि हम आयनाइजेशन आइसोमर्स, हमने जब स्टार्टिंग में प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो दो तरह से, उनमें दो तरह से मेनली बनते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन लिगेंड्स दैट आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम एंड द मोड ऑफ बॉन्डिंग टू इंडिविजुअल लिगेंड। तो जो लिगेंड लिंकेज आइसोमर था वो टाइप ऑफ द मोड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड की वजह से अराइज हुआ था। दूसरा हम जो आयनाइजेशन आइसोमर पढ़ते हैं वो होगा डिफरेंस इन लिगेंड्स दैट आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो दस आयनाइजेशन आइसोमरिज्म इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग जानते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जितने भी लिगेंड और मेटल जो लिखते हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन हम लिखते हैं वो आयनाइजेशन स्फीयर होते हैं। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के माध्यम में। तो इस प्रकार की समावयवता में
अणु में आयनों के भीतर और बाहर के ऋण आयनों को इंटरचेंज मेनली होता है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है ये हेक्सा एक्वा ट्राइक्लोरीडो क्रोमियम, क्रोमियम CrCl3H2O6 एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम इसके डिफरेंट आइसोमर्स हम बना सकते हैं और उससे हम आयनाइजेशन आइसोमर्स को आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट कंपाउंड जो हम देख सकते हैं जो हमने वायलेट कलर में लिखा है क्योंकि इस कंपाउंड का कलर ही वायलेट होता है, इसको इसका नामेनक्लेचर हम कर सकते हैं हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अर्थात यहाँ पे हेक्सा एक्वा क्रोमियम एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन है जिसपे +3 चार्ज है और इसके 3 क्लोराइड आयन इसके काउंटर आयन्स हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक्वा मॉलिक्यूल्स हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोराइड मॉलिक्यूल्स हैं और बनने वाले कंपाउंड का कलर वायलेट होता है। इसी का यदि हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखें दिस वन, इसको हम नाम देख सकते हैं क्लोरीडो पेंटा एक्वा क्रोमियम सेकेंड थर्ड क्लोराइड .H2। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 एक्वा लिगेंड्स हैं, एक क्लोराइड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोराइड लिगेंड है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि आयनाइजेशन स्फीयर में 3 क्लोराइड थे और अंदर एक भी क्लोराइड नहीं था। सेकेंड एग्जांपल में हमने क्या देखा एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ और इसमें अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल या एक्वा लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चला गया और आयनाइजेशन स्फीयर से एक क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर वी कैन सी हियर दिस कंपाउंड इज ग्रीन कलर। इसी का ही यदि हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं तो ये इसमें हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 4 एक्वा लिगेंड्स और 2 क्लोराइड लिगेंड हैं और आयनाइजेशन स्फीयर में 1 क्लोराइड लिगेंड है। हियर नाउ वी कैन अगेन सी द क्लोराइड आयन शिफ्टेड फ्रॉम आयनाइजेशन स्फीयर टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड 1 एक्वा लिगेंड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर इज आयनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरा एग्जांपल यदि हम देखते हैं कोबाल्ट का तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ब्रोमो पेंटा एक्वा कोबाल्ट, पेंटा एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। एंड सेकंड एग्जांपल जो हम इसका लेते हैं यह है पेंटा एक्वा क्लोरो कोबाल्ट सेकंड ब्रोमाइड। हम दोनों में देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम इसका AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 मोल ऑफ हमें AgCl PPT मिलता है जो कि वाइट कलर का होता है और यदि सेकंड कंपाउंड में हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो 1 मोल ऑफ AgBr PPT के रूप में मिलता है जो येलो कलर PPT होता है। तो वी कैन सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोथ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट। हेयर ऑल्सो वी कैन सी द एक्सचेंज ऑफ आयन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने कंपाउंड लिया है पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 5 एमीन लिगेंड्स हैं, एक ब्रोमाइड लिगेंड है और आयनाइजेशन स्फीयर में एक सल्फेट लिगेंड है। और हम जानते हैं कि जो आयनाइजेशन स्फीयर का जो आयन होता है वही हमें जब हम उसका आयनाइजेशन करेंगे तो वही आयन हमें मिलते हैं। यहाँ पर हम ब्रोमाइड आयन का टेस्ट नहीं कर सकते। तो दिस वन गिव सल्फेट आयन्स इन सॉल्यूशन एंड गिव्स वाइट PPT विथ बेरियम क्लोराइड। तो इस कंपाउंड की रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट PPT हमें मिलेगा, दैट मीन्स सल्फेट आयन इज इन आयनाइजेशन स्फीयर। इसी का यदि हम सेकेंड आइसोमर देखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पर 5 एमीन और 1 सल्फेट आयन है जबकि आयनाइजेशन स्फीयर में यहाँ पे ब्रोमाइड है। फर्स्ट एग्जांपल में आयनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट आयन था, सेकंड एग्जांपल में आयनाइजेशन स्फीयर में ब्रोमाइड आयन है। तो इन बोथ एग्जांपल्स वी कैन सी द इंटरेक्शन ऑफ ब्रोमाइड एंड सल्फेट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन टू आयनाइजेशन स्फीयर। तो जब यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में ब्रोमाइड आयन है तो जब हम इसका टेस्ट करेंगे इट गिव्स ब्रोमाइड आयन इन सॉल्यूशन एंड गिव्स लाइट
लाइट येलो प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट। तो इस कंपाउंड की हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड का येलो पीपीटी मिलेगा। एंड फर्स्ट एग्जांपल जो है जिसमें सल्फेट आयनाइजेशन स्फीयर में है, इसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर यह बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी देते हैं। तो इस तरह से हम आयनाइजेशन आइसोमर्स को डिफरेंट एग्जांपल्स के द्वारा समझ सकते हैं। बाकी की स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिटेल स्टडी वी विल स्टडी नेक्स्ट स्लाइड्स एंड टुडे थैंक्स। हाँ हो गया, चलो मैं यही कर दिया मैंने तो, अब मतलब रिकॉर्ड कर दिया रिकॉर्ड। हाँ अकेले थे ना तो मैंने कहा ये काम तो कर दो। हाँ सही है, हाँ अच्छे से हो जाता है। हालांकि बीच में मैम का फोन आ गया था पर मैंने कहा चलो, मेरे को भी बोली थी आपको, वो उस टाइम मेरे को बोली कि अपने काम करते हैं तो यहाँ बैठी थी मैंने, ठीक है।